हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में आप जानेंगे अपने बालों को कैसे तेजी से घना कर सकते हैं। आज की रेसिपी में आप जानेंगे कि आपको मात्र पानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ को डालकर अपने बालों में लगाना है जिससे बालों की हेयर ग्रोथ को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि मैंने किन चीज़ों का यूज़ किया है, और एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए किन चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कड़ी पत्ता। आपको भी यहाँ पर कड़ी पत्ते की लीफ लेनी है। इस तरह से आपको कड़ी पत्ते की पत्तियां लेनी है। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिया है नीम पाउडर। अगर आपके पास नीम की भी पत्तियां हैं तो आप उन पत्तियों को ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नीम पाउडर का। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको इससे किस तरह का पानी बनाकर तैयार करना है जो आपके बालों को हेल्दी बनाएगा, बालों को जड़ से पोषण देगा, घना बनाएगा, मजबूत बनाएगा, जिससे बाल तेजी से उगने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। तो सबसे पहले आपको लेना है एक पैन, और इसमें आपको ऐड कर देना होगा एक गिलास पानी। अगर आपके बाल घने हैं, थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप दो गिलास पानी भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है कड़ी पत्ते की पत्तियाँ। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे 5 से 6 कड़ी पत्ते की पत्तियाँ इसमें ऐड कर देनी होगी। और इसके बाद आपको इसमें सेकेंड चीज़ ऐड करना होगा, वो है नीम पाउडर। यहाँ पे गाइस आपको मात्र आधा चम्मच नीम पाउडर इसमें ऐड कर देना होगा। नीम पाउडर को ऐड करने के बाद आपको मात्र इसमें एक चीज और ऐड करना है, वो है अदरक। आपको फ्रेंड्स जिंजर लेना है, और जिंजर को आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में डालना होगा। डालना कैसे है, आपको फ्रेंड्स सबसे पहले इसे अच्छे से वॉश कर लेना होगा। वॉश करने के बाद आपको इसके पतले पतले स्लाइस करने होंगे इस तरह से। इस तरह से गाइस बिल्कुल पतला पतला स्लाइस आप इसमें ऐड कीजिए, ताकि अदरक की जो गुडनेस है वो पूरी इस पानी में ऐड हो जाए। थोड़ी सी मात्रा में ही आपको जिंजर यानी कि अदरक इसमें ऐड करना है। देखिए गाइस, इस तरह से बिल्कुल पतला यानी कि बारीक आपको इसे कट करना है, और थोड़ी सी मात्रा में आपको इसमें जिंजर ऐड कर देना हो, लगभग फिर इतनी मात्रा में। अब आपको करना क्या है, इसे 10 मिनट तक पकाना होगा। जब गाइस इसमें उबाल आ जाएगा, तो उबाल आने के बाद मात्र 10 मिनट तक आप इसे पकाइएगा धीमी आंच में। देखिए गाइस, ये पककर तैयार है। अब आपको इसे छानना नहीं है, बल्कि आपको इसे पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देना होगा। सुबह उठने के बाद आप इस पानी से अपने बालों की जड़ों में बहुत ही अच्छे से मसाज कीजिएगा, या फिर अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इस पानी में अपने शैम्पू को ऐड कर दीजिए, और धीरे धीरे अपने बालों को हल्के हाथों से वॉश कर लीजिएगा। ऐसा करने से भी आपके बालों की जड़ों के अंदर तेजी से समाएगा, और आपके बालों की जड़ों को तेजी से पोषण देगा, खाना बनाएगा नेचुरल तरीके से, के बाल बढ़ेंगे, कमजोर नहीं होंगे, बालों का सफ़ेदपन, दोमुहापन, बालों का झड़ना टूटना, इन सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देगा। नेचुरल तरीके से आपके बाल बढ़ेंगे, हमेशा घने, स्वस्थ और काले बने रहेंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स के जरिए भी मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।